नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। स्पाइस जेट की इंटरनेशनल फ्लाइट से बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। स्पाइस जेट इस टाइम देश सेवा में लगी हुई है दोस्तों। DGCA ने केवल कार्गो फ्लाइट को परमिशन दी है, हम सब जानते हैं। स्पाइस जेट अपनी कार्गो फ्लाइट इंटरनेशनल रूट्स पर चलाने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो स्पाइस जेट थर्सडे से चेन्नई से सिंगापुर के लिए फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही है, और फ्राइडे को स्पाइसजेट बैंगलोर और सिंगापुर के बीच में फ्लाइट ऑपरेट करेगी। बता दें कि स्पाइसजेट की उड़ानें सिंगापुर से चेन्नई और बैंगलोर में मेडिकल सप्लाई को लेकर आएंगी, ताकि देश को में मदद हो सके। स्पाइसजेट ने अभी तक लगभग 1500 टन मेडिकल सप्लाई कर दी है, जब से देश में लॉकडाउन हुआ है। इंडिया ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, जो कि 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है, और इसके एक्सटेंशन पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जो मीटिंग है वो अब 11 अप्रैल को होने वाली है, और इन सब कारणों की वजह से दोस्तों हवाई सेवाएं भी काफी ज्यादा बाधित हो रही हैं। हम आप तक इससे जुड़ी हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी एविएशन रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त विनायक, फिर मिलने की आशा करती हूं। अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, शब ए खैर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।